जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में बीते 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के दो जवान गौतम सिंह और वीरेंद्र सिंह शहीद हुए थे, जिसमें शहीद वीरेंद्र सिंह चमोली नारायण बगड़ के रहने वाले और शहीद गौतम सिंह कोटद्वार शिवपुरी इलाके के रहने वाले थे। वहीं मुख्यालय पौड़ी में शहरवासियों ने शहीद जवान गौतम को मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल रहीं। इस दौरान शहीद गौतम सिंह की तस्वीर के लिए लोग शहीद जवान गौतम अमर रहे और भारत माता की जयकारे के नारे लगाते रहे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। दो जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। वैसे हमारे देश के चार जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के दो जवान शहीद हैं, जिसमें हमारे कोटद्वार के भाई गौतम वाल्मीकि जी, जिनका अपनी शहादत दी है उन्होंने। हम उनके संबंध में दो मिनट का कैंडल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय से कंडोलिया मंदिर तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और हम पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो कायराना हरकत अपनी बंद करें और अपने आतंकवादियों द्वारा जो हमारे भारत देश पे, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी देश के लिए शहादतों का दौर जारी है। पाकिस्तान अपनी कायराना जो हरकत है, अरे कायराना हरकत से वो लगातार जो है बाज नहीं आ रहा है। ये भी एक शोचनीय विषय है। पूरे देश से चार हमारे वीर शहीद वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड से दो हमारे भाई, चमोली से वीरेंद्र और हमारे अपने भाई गौतम, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत को पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। और गौतम क्योंकि हमारा भाई था, इसीलिए आज उसके लिए हम एक श्रद्धांजलि आयोजित कर रहे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन है।